हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं लुलु, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पुंडरी मेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 90 डिग्री बेंड के बारे में समझाने वाले हैं, जो कि सिंगल कॉट में बनने वाला है और ये 100 mm का रहेगा। आसान से मार्किंग सीख सकते हैं और कटिंग करना आपको जरूर मालूम होना चाहिए। इस वीडियो से आपको मार्किंग और मेजरमेंट पूरा हम सिखाने वाले हैं, तो चलिए। दोस्तों, कोई भी एक पेंट बनाने के लिए आपको पहले एक मेजरमेंट लेना चाहिए, तो कि हम कैसे लेता है वो आपको समझाते हैं। अगर पसंद आया तो इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको ये मालूम है तो दूसरे दोस्त लोग को भी हेल्प करिए, कुछ शेयर करके। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या किया, देखिए पहले ट्रे आके इधर से इधर तक है और इधर वाला ट्रे इधर तक है, तो हम क्या किया, इसका मेजरमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्लॉटेड चैनल, कुछ भी छोटा वाला 100x100 का या 100x50 का या 50x50 कुछ भी ट्रे ले सकते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट डाल देंगे, ये स्ट्रेट रहना चाहिए। ओके, इसके ऊपर डाल देंगे तो ये इधर तक डाल देंगे, इसका मेजरमेंट मिल जाएगा आपको। हाँ दोस्तों, याद रखे ये बराबर एंगल में रहना चाहिए, ना कि कुछ इस प्रकार से या कुछ मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ओके, ये बराबर एंगल में होना चाहिए, ये एंगल होगा तो मेजरमेंट करेगा तो वो सही बेंड तो बन जाएगा, लेकिन इधर लाके पेंटिंग करने का टाइम आपको दिक्कत हो सकता है। ओके, वो जरूर ध्यान रखें। इसका अभी बेंड बनाने के लिए इसका मेजरमेंट लेना चाहिए और इसका मेजरमेंट हम कुछ इसी से ले लेते हैं, सेंटीमीटर के हिसाब से हम लेंगे। के आसपास आ रहे हैं। ओके दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कंफ्यूजन होता है एमएम और सीएम में क्या डिफरेंस है। हम दुबई में जब था उधर सेंटी बोल के यूज करते थे और मिलीमीटर को मिली ही बोलते हैं। ओके, आप 100 मिलीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। ओके, सीएम सेंटी। ओके, वही हिसाब से करिएगा। तो यहां का दूरी होता है फ्रेंड्स, टू थर्टी एमएम 23 cm। ओके, सी फॉर सेंटी, एम फॉर मीटर, एम फॉर मिली, एम फॉर मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि इसमें से जीरो हटा देने में उतना सेंटी हो जाते हैं। ओके, मिलीमीटर आपको जब छोटा बारीक से वाला मार्किंग करना है तो आप मिलीमीटर को भी याद रख सकते हैं। ये हो गया 230 mm, तो इसको हम मिटा देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले एक मार्किंग कर देते हैं। हमने यहाँ से मेजरमेंट लिया था यहाँ तक, जो कि 230 mm। ओके, 230 mm। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
30 mm ले लिया, तो ये क्या होता है, एक साइड होता है ना कि सेंटर। जब आप यहां पर मेजरमेंट लेंगे ओके, तो आपको सेंटर बना दीजिए, सेंटर को ए साइड को जितना ओ साइड को उतना ले लेंगे। तो इसके बाद 100 mm, ये 100 mm का है, ये 100 mm का ट्रंकिंग या रेशियो या परपोरेटेड ट्रे, आप कुछ भी सेम फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, 100 mm के लिए आपको जरूर मालूम हुआ होगा फ्रेंड्स कि 100 mm के लिए हमको 200 लेना है, क्योंकि ये 100 mm और ऐसा 100 mm, ये 100 mm हो गया, ऐसा 100 mm हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये 200 हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रंकिंग जो प्लेट में बना होता है वो कम से कम 1 mm का होता है। तो 1 mm के लिए हम क्या करेंगे, इधर से 1 mm उधर से 1 mm माइनस करेंगे। तो 100 के लिए 200 लेने के बजाय हम क्या करेंगे, 100 के लिए 198 mm लेंगे, ये साइड को 99 mm, वो साइड को 99 mm। तो इधर हम क्या करेंगे, सेंटर निकाल देते हैं, ये 99, ये भी 99 mm, 100 के लिए 99 mm करके लेंगे ओके फ्रेंड्स। तो उसको क्या करेंगे हम, भी कट आपको कोई भी साइड को करना है, अगर मैं ये साइड को करना है तो मैं उल्टा भी कट कर देता हूं, कुछ इस प्रकार से कर देंगे। ये गया मार्किंग, मार्किंग करने के बाद बारी आता है आपको उसको नॉट बोल्ट में फिक्स करना चाहेंगे या वेल्डिंग में फिक्स करना चाहेंगे, वही हिसाब से आप करिएगा। हम इसमें सिखा देते हैं कि नॉट बोल्ट कैसे करते हैं, नॉट स्क्रू कैसे करते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बराबर हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, कॉपर बनाएंगे ओके। तो ये 99 mm हो गया, देख सकते हैं। ये 99 mm हो गया, ये 99 mm, ये तो 30 mm क्योंकि यहाँ से हम मेजरमेंट लिए थे। इसके बाद बारी आता है हम कपलर कैसे बनाएं। कपलर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हम इसमें से कोई भी कपलर बना सकते, चाहे ये कपलर बना सकते, चाहे ये कपलर बना सकते। तो कपलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही साइड से करेंगे, और इसको 100 mm के जाकर जो 90 mm लिया था उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, और बीच में एक मार्किंग लगा लेंगे। बीच में मार्किंग लगाने के बाद बारी आता है हमको एक होल बनाने का ओके। होल हम पहले बना देंगे क्योंकि ये कपलर बन जाने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपको ड्रिल मारने के लिए दिक्कत हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे, पहले एक होल बना लेंगे। होल बनाने के लिए इसको थोड़ा मैं जूम करके समझा देता हूँ, तो इधर तक समझ लीजिए, और यहाँ के बाद मैं खाली ये साइड दिखाऊंगा कपलर कैसे बनाता हूँ मैं, और आप उसको जरूर फॉलो कीजिए, और आपका टाइम भी बचत हो जाएगा और काम भी इजी हो जाएगा। कपलर यहाँ से मार्किंग करना है आपको, तो ये साइड में मार्किंग करना है, तो मैं कैसे होल मार्किंग करता हूँ, तो ये कपलर एक बनेगा ओके। इधर से समझ में नहीं आते तो मैं थोड़ा ऐसा
फटाफट लेता हूँ, ये कपलर बनेगा। तो दोस्तों कपलर मार्किंग करने के लिए हम क्या किया कि यहाँ से जो कपलर मार्किंग किया था, यहाँ से हम यहाँ पर देखिए 30 mm लिया है, ओके 30 mm। और जो सेकेंड वो ट्रकिंग में होना चाहिए उसको क्या किया, 1 mm हम कम कर दिया, क्योंकि ये 1 mm थिकनेस का प्लेट है, इसीलिए हम 1 mm कम कर दिया। और ये जाने का टाइम इसके भीतर की साइड जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ये बड़ा रहना चाहिए, कपलर बड़ा रहना चाहिए, ओके। वही हिसाब से आप भी करिएगा तो होल भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। होल बनाने के लिए क्या किया, इधर देख सकते हैं आप, यहां से जो मार्किंग था 230 mm के बाद हम 30 mm लिया, वहां से एक मार्किंग लगा लिया और यहां पर 29 mm लिया। जो कपलर है 1 mm बड़ा है और जो ट्रंकिंग है वो 1 mm छोटा करके लिया, और इसको मैं वापस में सेंटर कर दिया क्योंकि ये 100 mm का है, 100 mm का है, तो हम 50 में एक यहाँ पर मार्किंग लगा लिया, एक यहाँ पर मार्किंग लगा लिया, ओके। वही हिसाब से लाइन खींच लीजिएगा और मार्किंग जितना बड़ा वाला स्केल में करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये वापस में मिलने का टाइमिंग जैसे कि दिक्कत ना हो, ऐसे थोड़ा जितना दूर में इधर एक मार्किंग कर दीजिए 50 में, इधर एक 50 में कर दीजिए, करने के बाद यहीं पर एग्जैक्ट जगह में मार्किंग लगा लीजिए, क्योंकि आपको एक्यूरेट आएगा, नहीं तो स्केल ये जगह ऐसे भी बैठ सकता है, थोड़ा सा मेजरमेंट गलत भी हो सकता है। इसके लिए ये भी निकल गया और ये 30 mm 29 mm निकल गया। निकल जाने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको दिखने वाला है। करने के बाद आपको एक काम और करना है, यहां से इस तरफ 1 mm के बाद आपको दूसरा और एक लाइन खींचना है, ओके। और यहां पर आपको इधर पहले से 1 mm ज्यादा करके कटिंग करना चाहिए, ओके। यहां पर 1 mm ये साइड को, सभी इस साइड को, ये भी 1 mm, 1 mm, ओके, ये 1 mm, वो भी 1 mm, वो साइड को करना चाहिए। वही हिसाब से आपको कटिंग करना है, ये नहीं, ये जो कटिंग किया है ये नहीं, लेकिन यहां से यहां, ओके, कुछ इस प्रकार का वो होगा। जैसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे है वो, ये ऊपर वाला, ये वाला, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे जाने का बात, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा बाद में, फिर ऐसे जाएगा, ओके, कुछ इस प्रकार का होने वाला है। ये पिछला कपलर कैसे बनाते हैं, मैं पिछला और एक वीडियो में 100 mm का ट्रंकिंग में ड्राइंग में समझाया है, उसमें पेंसिल में बनाया था, उसमें बारीक से मैं आर्ट करके बनाया है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। चाहे तो मैं इसको आई बटन में इसको दे देगा, आप वहां से कपलर सीख सकते हैं और होल मार्किंग भी सीख सकते हैं, ओके। ये मकसद था पेंट बनाने का और आपको सिखाने का, कुछ इस प्रकार से पेंट बन जाएगा, ओके। काट के जॉइंट करने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है।
ये 230 mm है और आप इसको ओनली कपलर लगा के जॉइंट कर सकते हैं। हमारा तो कपलर आ जाता है, हमारा कंपनी दे देता है, तो आपका जब नहीं आता होगा तो आप कपलर लगा के जॉइंट कर सकते हैं। ये बेल्ट बनाने से आपको एक फायदा होगा दोस्तों कि हम पहले से मेजरमेंट में करेंगे तो बाद में जो वेस्ट पीस और नहीं फेंका जाएगा। ज्यादातर क्या होता है कि पहले बेल्ट बना लिया जाता है, बाद में मेजरमेंट करके काटना पड़ता है, और ऐसा बेल्ट हो जाने के बाद काटना जितना दिक्कत है जो कर रहा है उसको जरूर मालूम होगा। और तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो से जरूर आपको कुछ सीख मिला हुआ होगा। जब सीख मिला हुआ है तो लाइक बटन जरूर दबाना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। अगर आपका मन में कोई सवाल है सुलझा है तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। फिर मिलेंगे और एक ऐसे नए टेक्निक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए।